नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में बालों की कीमत को किया गया निर्धारित। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार में कोरोना संक्रमित सभी मरीजों की कराई जाएगी टीबी जांच। बकरीद की नमाज घरों पर पढ़ने की गई अपील। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश होने को लेकर किया गया अलर्ट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमित सभी मरीजों की कराई जाएगी टीबी जांच। कोरोना संक्रमित सभी मरीजों की टीबी बीमारी की जांच भी राज्य सरकार करवाएगी। दरअसल दोनों ही बीमारियों में समान लक्षण पाए जाते हैं और कफ, बुखार व सांस लेने में तकलीफ की समस्या होती है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों को कोरोना मरीजों की टीबी जांच कराने को कहा है। इसे लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से IGIMS, पटना एम्स, PMCH और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य व सिविल सर्जन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी केस नोटिफिकेशन को बढ़ाने की पहल की गई है। इसके तहत जिलों के विभिन्न अस्पतालों को कुल 170 ट्रूनेट मशीन कोरोना टेस्ट के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जिसका उपयोग अब कोरोना जांच के साथ ही टीबी और रेजिस्टेंट टीबी की जांच में किया जाएगा। अवैध बालू खनन में फंसे अफसरों की संपत्ति को खंगालना हुआ शुरू। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन मामले में फंसे 41 प्रशासनिक और पुलिस अफसरों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी संपत्ति जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम जुट गई है और उनके बैंक डिटेल्स व चल अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारियां, पुराने ट्रांजैक्शन डिटेल्स हासिल करने में लग गए हैं। साथ ही तमाम निवेशों का भी पता किया जा रहा है। दरअसल बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, मगर इसके विपरीत इन अधिकारियों की संलिप्तता अवैध खनन मामले में पाई गई है, जो कि बड़ा अपराध है। ऐसे में 41 अफसरों को पहले फील्ड से हटाया गया और अब उनकी एक एक संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। इसके साथ ही जांच में लापरवाही ना हो, इसलिए सीनियर पुलिस अफसर स्तर से जांच निगरानी कराई जाएगी। साथ ही ADG रैंक के अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। बकरीद की नमाज घरों पर पढ़ने को लेकर की गई अपील। बिहार सहित देश भर में मुस्लिम धर्मावलंबियों का खास पर्व बकरीद कल बुधवार को मनाया जाएगा। इस दौरान राजधानी पटना में प्रशासन ने खास अपील लोगों से की है। लोगों को घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील प्रशासन ने की है। वहीं सावन का पवित्र महीना भी शुरू होने वाला है, इसलिए इस बार कोविड गाइडलाइंस में कोई छूट ना देते हुए मंदिरों में आम लोगों का प्रवेश भी निषेध रहेगा। वहीं श्रावणी मेले का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। पटना में लोगों के लिए ईदगाह नहीं खोले जाएंगे, नमाज को घर में ही पढ़ाया जाएगा। इस बाबत कई धर्म गुरुओं और मौलानाओं ने तीसरी लहर की आशंका के बाबत प्रशासन का साथ देने की अपील लोगों से की है। साथ ही पटना सिटी प्रशासन ने भी लोगों को किसी तरह की धार्मिक आहत न पहुँचाने की अपील की है। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश होने को लेकर किया गया अलर्ट। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण एक बार फिर बारिश की स्थिति बन गई है। दरअसल राजस्थान से लेकर ग्वालियर और गया से मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है। यह स्थिति 23 जुलाई तक बने रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर बिहार के लिए येलो अलर्ट तो वहीं पश्चिम बिहार के लिए 4 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास एवं भभुआ में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सारण, पटना, वैशाली और बेगूसराय के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। राज्य में बालू की कीमत को किया गया निर्धारित। सूबे में बालू की अवैध कारोबार के साथ अवैध और मनमाना दाम भी ग्राहकों से वसूला जाता है। ऐसे में अब सरकार ने बालू की कीमत को तय कर दिया है। इसके तहत प्रति 100 CFT बालू के लिए राजधानी पटना में 4,000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं अन्य जिलों में इतने बालू के लिए 3900 रुपए तय किए गए हैं। इससे अब ग्राहकों से मनमाना दाम नहीं वसूला जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को करनी होगी। साथ ही भंडार स्थल या फिर घाट से बालू के परिवहन के लिए प्रति किलोमीटर के शुल्क को भी DM ही तय करेंगे। इससे पहले कई जगहों से शिकायतें मिली थी कि 100 CFT बालू को 7,000 से 13,000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। इस बाबत यह नया आदेश खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया है। राजधानी पटना के एक पार्क में बोनांजा विमान का कर सकेंगे दीदार। पटना स्थित शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में सैर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यहां घूमने आने वाले लोग जल्द ही बोनांजा विमान का दीदार कर सकेंगे। इस विमान के लिए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है। 40 साल पुराने इस विमान को पिछले ही साल पटना एयरपोर्ट से इस पार्क में लाया गया था। अब इस विमान की पेंटिंग कराने के बाद इसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म पार्क के एंट्री गेट के पास ही बनाया गया है, जिसके चारों ओर LED लाइट लगाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर खूबसूरत टाइल्स भी लगाई गई है, इससे इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। बताते चले कि एक साल से रखे इस विमान के लिए फंड की कमी की वजह
से इसके प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं किया जा रहा था। हालांकि अब एक इंजन वाला इस विमान के साथ आम लोग सेल्फी भी ले सकेंगे। बीते दिन जनता दरबार में 106 मामलों का हुआ निपटारा। मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम लोगों के बीच खासा प्रचलित हो रहा है। बीते दिन सोमवार को आयोजित जनता दरबार में कुल 106 मामलों को खुद मुख्यमंत्री ने सुना और उनके निपटारे के लिए शिकायत से संबंधित विभाग को तत्काल निर्देश भी दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, गन्ना उद्योग, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, उद्योग, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना एवं विकास, पर्यटन, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क एवं वाणिज्य कार्य विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। खास बात यह है कि कार्यक्रम में मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली, रोहतास आदि जिलों से फरियादी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। अब जनता दरबार का अगला कार्यक्रम 26 जुलाई 2021 को आयोजित किया जाना है। बिहार के 6 मुखिया शराब पार्टी करने के आरोप में नपे। बिहार के सासाराम प्रखंड के दरीगांव थाना क्षेत्र में शराब पार्टी करते हुए पाए गए एक ग्रुप को पकड़ा गया है, जिनमें से 6 लोग मुखिया है। वहीं एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष, 2 मुखिया समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह छापेमारी रविवार की देर शाम की गई थी। मौके पर से पुलिस ने 2 मैगजीन भरी 23 गोलियां, 2 पिस्टल और 1.25 लीटर शराब भी बरामद किया है। वहीं अब इन्हें पंचायत परामर्शी समिति से हटाया जाएगा, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग को अनुशंसा पत्र भेज दिया है। माना जा रहा है कि यह पार्टी आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए आयोजित हुई होगी। पार्टी में रोहतास, कैमूर, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से जुड़े व भोजपुर जिले के लोग भी शामिल हुए। ऐसे में इसे पंचायत चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार बोर्ड में इंटर में जिन छात्रों ने नामांकन नहीं लिया है उसके लिए अच्छी खबर है। अब अंतिम तारीख को 19 जुलाई से बढ़ा दिया गया है और इसे 3 अगस्त 2021 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। दरअसल सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट इसी महीने के अंत तक आने की पूरी संभावना है। ऐसे में बोर्ड द्वारा तारीख को बढ़ाया गया है, जिसका फायदा सीबीएसई से बिहार बोर्ड में आने वाले छात्रों को मिलेगा। परीक्षा समिति ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे ओएफएसएस वेबसाइट से सामान्य प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। बिहार बोर्ड के अलावे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थी भी ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के विद्यार्थी 10वीं का रिजल्ट आने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। औरंगाबाद से झारखंड जाने का सफर अब और भी होगा आसान। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए सड़क की व्यवस्था अब और बेहतर होने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीटी रोड के शेरघाटी स्ट्रेच को 6 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। परियोजना से जुड़े एनएचएआई के डीजीएम स्तर के एक अधिकारी ने बताया कि 1300 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत जीटी रोड के शेरघाटी स्ट्रेच में औरंगाबाद के बनिया से लेकर बाराचट्टी के चोरदाहा तक करीब 70 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। शेरघाटी खंड में 6 लेन की इस परियोजना को 2 भागों में क्रमशः 30 व 40 किलोमीटर की लंबाई में बांटकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जानी है। अधिकारी का कहना है कि शेरघाटी से बाराचट्टी वाले हिस्से में चौड़ीकरण का काम शुरू करने से पहले ही सड़क किनारे के तमाम संरचनाओं को हटा दिया गया है। अब सब कुछ सही रहने पर कुछ ही सप्ताह में निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। आइए, सुधीर कुमार ने नीतीश सरकार पर इल्जाम लगाने के बाद सुरक्षा की लगाई गुहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य कई अधिकारियों पर जालसाजी का आरोप लगाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बाबत सुधीर कुमार ने बिहार के डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव को भी उन्होंने पत्र की कॉपी भेजी है। दरअसल 3 दिन पहले ही शनिवार को ही आईएएस सुधीर कुमार ने सीएम नीतीश कुमार सहित नीचे से ऊपर के कई अफसरों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पटना के SC/ST थाने में पहुंचे थे। हालांकि उनका FIR दर्ज नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने खुद के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग की है। फतुहा में प्लास्टिक फिटिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हुआ उद्घाटन। पटना जिले के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार का एक बड़ा अवसर तैयार हो गया है। इस एरिया में प्लास्टिक टैंक एवं पाइप की बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इस फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस कदम को उद्योग मंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास में बड़ा कदम बताया। बताते चले कि यह फैक्ट्री मेसर्स साईनाथ पॉलीमर्स की नई यूनिट है, जहां अब 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेंगे। खासकर पटना और इससे सटे जिलों के लोगों के लिए यहां काम करने का अच्छा अवसर है। बताते चले कि इस फैक्ट्री में CPVC फिटिंग्स, UPVC फिटिंग्स, एग्रीकल्चर फिटिंग्स व अन्य कई तरह के प्लास्टिक पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जाप प्रमुख पप्पू यादव को एक पुराने मामले में मिली जमानत। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को एक मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी भी उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
दरअसल पप्पू यादव को पटना के एक मामले में जमानत मिली है, जहां गर्दनीबाग थाने में उनके खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बेल पाने के लिए पप्पू यादव ने पटना कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब पटना कोर्ट के सब जज ने मामले में पप्पू यादव को जमानत दी है, साथ ही आगे उन्हें हिदायत भी दी है। बताते चले कि पप्पू यादव फिलहाल दूसरे मामले में जेल में बंद है, वह मधेपुरा का अपहरण का मामला है जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। सीरीज जीतने के इरादे से आज श्रीलंका टीम के खिलाफ उतरी है टीम इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच में आज सीरीज का दूसरा वनडे श्रीलंका की जमीन पर खेला जा रहा है। इससे पहले भारतीय टीम ने पहले वनडे के मुकाबले में जीत हासिल की थी। ऐसे में आज का मैच जीतना शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए अहम है, जिससे सीरीज पर कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही टीम इंडिया अगर आज का मैच जीत जाती है तो वह श्रीलंका के खिलाफ अपनी लगातार 9वीं द्विपक्षीय सीरीज को अपने नाम कर लेगी। 2007 से ही लगातार टीम इंडिया दोनों टीमों के बीच खेली जा रही सीरीज को अपने नाम कर रही है। इसके अलावे शिखर धवन की कप्तानी वाली युवा टीम अगर आज का मैच जीत जाती है तो किसी टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा जीत का विश्व रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम हो जाएगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के नाम है। देश भर में कोरोना के 31,000 से कम मामलों की हुई पुष्टि। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30,093 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 374 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 45,254 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,06,130 हो गई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटों के दौरान 54 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 98 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 679 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.58% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा हर जिले में बालू की कीमत को तय किए जाने का फैसला मददगार साबित होगा या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।